क्लास में नंबर वन आता था, दूसरी एग्जाम आई उसने तय किया कि इस बार 80 नहीं चलेगा, मैं 90 लाऊंगा। अब उसने लक्ष्य तय किया, लक्ष्य कभी कोई नीचा नहीं तय करता है, ऊपर ऊंचा ही तय करता है। और दूसरा एक विद्यार्थी था, वो 4 साल में उसी कक्षा में नापास हो रहा था, उसको 20 मार्क आ रहे थे, उसने लक्ष्य रखा कि मैं 20 नहीं इस बार 30 लाऊंगा। पास होने का लक्ष्य नहीं रखा, 30 लाने का लक्ष्य रखा। अब एग्जामिनेशन हो गए, परिणाम आ गया, जिसने 90 का लक्ष्य रखा था उसको 80 की जगह 78 आ गया, और जिसने 20 का लक्ष्य रखा था उसको 30 की जगह 25, 20 की जगह 25 आ गए। अब मुझे बताओ भाई, कौन सा विद्यार्थी का परिणाम अच्छा है, जरा बताओ, 80 वाले का अच्छा है या 20 वाले का अच्छा है? एक बात मुझे सभी कार्यकर्ता बताएं, जो विजयी होता है उसकी सरकार बनती है। भारत में सरकार किसकी बनी है, जरा जोर से बोलो, किसकी बनी है? विपक्ष में कौन बैठा है? तो विजयी कौन बना है? अरे मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि 30 मार्क का लक्ष्य लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया, और 90 का लक्ष्य रखकर 78 लाने वाला पसोपस में पड़ गया। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे हैं।